Now, today your topic is selection of terms in GP. When the product of numbers in GP is given, जब GP में product दिया होता है, अगर आप इसको compare करें थोड़ा सा AP के selection of terms में, आपको शायद पता होगा कि AP में A plus D, A और A minus D होता था। जब हम इनको add करते थे आपको पता था D से D आपका जो कॉमन डिफरेंस कैंसिल हो जाता था, तो 1A 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 आप 3A लिखते थे। यहां हम GP की बात कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में, जब 3 नंबर GP में होते हैं तो वो आपको A बाई आर ए और इंटू ए आर लिखना है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट करेंगे A बाई आर इंटू ए इंटू ए आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ए क्यूब बन जाएगा। 4 नंबर जो GP में होंगे वो आपका a बाई आर क्यूब, a बाई आर ए आर और ए आर क्यूब होगा। वो क्यों? कि जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे a बाई ए आर क्यूब इंटू ए बाई आर इंटू ए आर और इंटू ए आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, आर से आर कैंसिल, आपका a की पावर 4 हो जाएगा। 5 नंबर्स इन GP, a बाई आर स्क्वायर ए बाई आर ए ए आर ए आर स्क्वायर। देखिए, तो जब आप इनको मल्टीप्लीकेशन में रखेंगे R square से R square cancel, same है, वहाँ common difference cancel होता था, यहाँ वहाँ 4 terms A plus 3D, A minus D आपका होता था, A plus D, यहाँ बिल्कुल, अब हम GP में तो जी, लेकिन थोड़ा सा comparatively हमें compare जरूर करना है कि वहाँ sum दिया होता था, यहाँ product दिया होता है। अब ऐसा नहीं कि आपने कहा और सर ने तो कहा था कि product दे, यहाँ sum भी, लेकिन product की value से यहाँ ज़्यादा weightage दिया जाता है, वहाँ प्लस करने में ज्यादा वेट दिया था, प्रोडक्ट वहां भी दिया होता था लेकिन वेटेज वहां प्लस करने से होता था या मल्टीप्लाई करने से होता है। जैसे एपी के कई बड़े सम आपने देखा होगा, आप डिवाइड करते थे, सॉरी सबट्रैक्ट करते थे, यहां कॉमन रेशियो निकालने के लिए आप क्या करते थे, डिवाइड करते थे, आपको पता है ना। चलिए, ये एक तो ये चीज आप देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, नंबर्स है टर्म्स नहीं, टर्म्स और नंबर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्योंकि टर्म्स आपका क्या होगा a a2 a3 जो a ar ar स्क्वायर करते थे, यहां नंबर्स, द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इन जीपी इज इतना सम है। अब आप कहेंगे सर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट देने से क्या फायदा होगा, a निकल जाए, जैसे एपी में सम देने से क्या होता था, d कट जाता था, a निकल जाता था, यहां भी प्रोडक्ट में क्या होगा, r कैंसिल हो जाएगा कॉमन रेशियो और आपका क्या हो जाएगा, इज इट क्लियर, a आपका प्रोडक्ट। Like the 3 numbers in G R, what is it? What is A by R, A or A? A, what is A? First term. What is R? Common ratio. आप numbers की बात करें या terms की बात करें, number वही first term की बात करेंगे तो A होगा, और common ratio की बात करेंगे R. टर्म्स में आपका क्या हो जाएगा, a a2 a3 an an जो आप करते थे a into r की पावर n minus 1, बिना फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, वो टर्म्स की बात करें या नंबर्स की बात करें, इज इट क्लियर, यहां पे नंबर्स की बात करें, लेकिन a वैसे भी आपका जो था फर्स्ट टर्म होता और r आपका कॉमन रेशियो। अब फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस आप जो भी sum of 3 numbers is equal to 39 right there, given a r plus a plus a r is equal to 39 right there. आप a mathematics के सबसे पहले demand common, देखो common 1 plus r plus देखो 1 और plus आपका r is equal to 39 right there. A into 1 plus R बन जा R और plus R R जा R square by R, LCM this का है, R बन जा R, R R जा R square, sure. Now you please come to the second one, the condition. The product of 3 numbers is what? 1. So, the numbers we have taken here,
Now you will multiply all the three numbers with each other and its product is 1. A be given. R say R colors. Now A cube is equal to 1. So A is equal to the cube root of 1 union. So now this is called A given. This is the first one. Sure? Clear? Now take it. Substitute. A is equal to 1. A. Equation number 1. A की वैल्यू 1. यहाँ रख दीजिएगा देखें. पहले मैं इसको लिख देता हूँ. क्योंकि वेल गो बैक टू योर होम. आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए. A की वैल्यू 1. 1 plus R plus R is 4. By this is R. S is equal to 39. Sure. Cross multiplication करते हैं. वन का कोई भी वैल्यू रखने के बाद 10 बन जाए प्लस 10 आर का 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर का 10 आर स्क्वायर ऐसे कर 39 आर का 10 आर स्क्वायर 10 आर स्क्वायर 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर प्लस 10 माइनस 39. ये तो आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हुआ और ये आपका इक्वल टू 0 ओटी में चला है. दिस प्लस 39 आर भी गो दिया आपका नाम. सो नाउ यू विल कन्वर्ट. देखो 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर माइनस 29. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे फैक्टर करिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 29 और 10 फिर 10 आ जाए. तो बताइएगा जल्दी बताइए. लेकिन यहाँ पे आप अपना टाइम सेव करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 10 10 जा 100 25 4 जा 100 25 इन 4 29. तो देखो 10 आर स्क्वायर माइनस देखो 25 आर माइनस 4 आर और प्लस 10 इज इक्वल टू 0. देखो 25 माइनस 4 मैंने क्या किया 39 तो ये पहली लाइन लिंक ही नहीं हो पाई. ये हमेशा याद रखिए. तो माइनस 25 और माइनस 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 ऐड हुआ और माइनस और माइनस मल्टीप्लाई 25 फोर जा 10 10 जा 100 25 फोर जा 10 10 जा 100 दोनों से सिंपल ग्रुप सिंपल. ये देखो दोनों 5 की मल्टीपल टेबल में आता है तो ना देखो दिस हुआ माइनस माइनस. ये देखो 2 की मल्टीपल टेबल में आता है सो यू कैन राइट ये द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव सेकंड विल कम ऑटोमेटिकली नेगेटिव. याद रखिएगा क्यों. ये अगर फर्स्ट नेगेटिव तो माइनस प्लस का माइनस 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 का प्लस. अगर मैंने कहा भाई मैं अगर गलती जैसे मैंने यहाँ पे से अभी 10 आर किया था और मैं यहाँ निकला था मैं जब इसको देखता रही यानी क्या होता है गलती अपनी गलती तुरंत पकड़ी जाती मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में. ये हमें सही करना है. Now see perform. 2 r minus 5. I think 5 r minus 2 is equal to 0. A. If 2 r minus 5 is equal to 0. 2 r is equal to 5. R is equal to 5 by 2. Or B. If 5 r minus 2 is equal to 0. Sorry. 5 r minus 2 is equal to 0. Or R is equal to 2 by 0. Oh. R is equal to 2 by 5. R की दो वैल्यू आ गई. R is equal to 5 by 2 और आपका तो R is equal to 2 by 2. नंबर्स हमारे पास क्या है. सुनो वी हैव थ्री नंबर्स. थ्री नंबर्स हमारे पास A by R, A और A R. फर्स्ट A is equal to 1 ही रहेगा लेकिन R की वैल्यू आपका तो 5 by 2 है.
ये क्या हो जाएगा, ए आपका 1 बाई 5 बाई 2 आपका रिजल्ट, ए आपका 1 हो गया और इंटू ए आपका 1 इंटू आर 5 बाई 2 ए, ए इज सेपरेट एंड बी बाई सेपरेट आपका क्या होगा, इट इज रिटन योर ए सी बाई बी आपका ये 2 बाई 5 आपका देखो 1 और 5 बाई 2 इसका मतलब अब आप क्या करेंगे देखो सेकेंड ए इज इक्वल टू 1 ही रहेगा अब ना भी हम लोग की आर इज इक्वल टू 2 बाई 5 ए आर ए ए ए आर ए 1 होगा आर इज इक्वल टू 2 बाई 5 मिल जाएगा ये आपका 1 और आपका देखो दिस 1 इंटू 2 बाई 5 देखो इसी फॉर्मूले से अपन आ गए 5 बाई 2 हो जाएगा 1 देयरफॉर द नंबर्स आर रिवर्सिबल ऑफ क्यों होती है रिवर्स देखो इधर 2 बाई 5 नाउ 1 और 5 बाई 2 आपका देखो 2 बाई 5 1 5 बाई 2 ये 5 बाई 2 1 आपका ना अपोजिट होती जाएगी रिवर्स होती जाएगी के नंबर अब याद करेगा आप एपी में भी जब हम क्या करते थे आर कॉमन डिफरेंस निकालते थे डी डी किस में आता था प्लस माइनस में आता था तो फर्स्ट टर्म के साथ आप डी लेते थे तो वहां भी क्या होते थे थ्री नंबर ए प्लस डी ए और ए माइनस मतलब उल्टा अगर 2 4 6 है तो दूसरा नंबर 6 4 2 है जैसे यहाँ है 2 बाई 5 देखो लास्ट नंबर 1 दोनों का बीच में क्या होगा ए है ये आपका क्या ए आर यहाँ ए बाई आर तो थ्री नंबर्स आपके ऐसे निकाले जाते हैं इज इट क्लियर प्लीज सेकेंड फिर मैं बताता हूँ